राधे राधे भक्तों, आज है कृष्ण जन्माष्टमी और मैं करने वाली हूँ अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा घर पे। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि घर पे बिना पंडित जी के कैसे करें प्राण प्रतिष्ठा। तो उसके लिए आपको चाहिए ये सारी सामग्री, जिसमें से पहला है फूल, दूसरा है चीनी और तीसरा है गेहूँ, और उसके बाद से हम रखे हैं जल, क्योंकि उसके बाद से सैया। तो उन सारे चीज़ों पे हम करवाएंगे लड्डू गोपाल का वास। तो यहाँ से पूजा प्रारंभ करेंगे और मैं लूँगी हल्दी और शुद्ध घी, और उसको मिला के हम लगाएँगे लड्डू गोपाल के शरीर पर। और लगाने के बाद से इससे क्या होता है कि जो शरीर है वो शुद्ध हो जाता है, और फिर हम तपाएंगे इनको अग्नि पे, क्योंकि बहुत सारे हाथों में ये जाता है बनने के बाद से। तो जितने तामसिक गुड़ हैं इस पे जो रगे रहते हैं वो हट जाते हैं, और साथ साथ ये शुद्ध हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैं कैसे इनको तपा के शुद्ध कर रही हूँ, उसके बाद से आगे का कार्यक्रम आप लोग के सामने है। घी और हल्दी को अच्छे से मिला के, मतलब उबटन बना के लगा लिया जाता है सबसे पहले, और फिर इसको अग्नि पे तपाया कर इसके जो सारे दोष हैं उसको दूर किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे हाथों में ये बनने में आता है। तो या ज़्यादा नहीं तपाना है, हल्का हल्का, नहीं तो हाथ जल जाएगा वैसे। और अच्छे से तपाने के बाद से उसके बाद से हम करवाएँगे इनको स्नान, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लेट में हम स्वास्तिक बनाएंगे और उसके ऊपर लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे। और सबसे पहले हम पंचामृत लेंगे और पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे, फिर कच्चे दूध का अभिषेक करेंगे, और उसके बाद से हम शुद्ध जल में लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि आगे की प्रक्रिया में मैं क्या कर रही हूँ, तो आप लोग बने रहे मेरे साथ। जब लड्डू गोपाल को स्नान कराएं तो सबसे पहला जल पैरों पर डालें, उसके बाद से हाथों पे, और उसके बाद से सर पे। तो ये है स्नान की प्रक्रिया। जल के बाद से आप लोग देख सकते हैं कि मैं इनको स्नान करा रही हूँ पंचामृत से, और पंचामृत के बाद से मैं करवाऊंगी शुद्ध दूध का अभिषेक, और जो कि आप लोग के सामने है। और ऐसे करके हम करेंगे लड्डू गोपाल को शुद्ध। दूध से अभिषेक करने के बाद हम कराएंगे जल से स्नान, और हर एक स्नान के बाद से हम करेंगे लड्डू गोपाल की पूजा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ, और ये बहुत ही आसान तरीका है कि बिना पंडित जी के हम घर पे ही खुद से कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी कई बार सोची थी कि पंडित को बुलाऊंगी, लेकिन पंडित जी क्या है कि व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाए। तो फिर मैं सोची क्यों ना मैं खुद से ही करूँ, और वैसे भी ये आज व्रत था मेरा, तो इसमें पूरी प्रक्रिया में मेरा समय भी चला गया और लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई साथ में। तो सबसे पहले हम चार बार स्नान कराएंगे जल से, और उसके बाद से हम उनकी फिर से पूजा करेंगे अच्छे से साफ सफाई करने के बाद से, और हम अब उनका वास कराएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले कराऊंगी जल में वास, और जल में दो घड़ी तक वास कराने के बाद से, दो घड़ी का मतलब हो गया कि 48 मिनट आप रख सकते हैं इनको जल में, उसके बाद से आप निकालेंगे। तो यहाँ मैं कराऊंगी जल में वास सबसे पहले, और जल में वास करा के हम वेट करेंगे 48 मिनट का, उसके बाद से हम कराएंगे फिर दूसरी सामग्री में वास। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं पूजा करूंगी लड्डू गोपाल का, और फिर चंदन लगाऊंगी, और उसके बाद से मैं इनका वास करवाऊंगी। तो ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है और बहुत ही अच्छा है, और मेरा तो मन वैसे भी लग रहा है अभी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अपने लड्डू गोपाल को इतने दिन से मैं ला रखी थी। वैसे मैं जब गई थी वृंदावन बांके बिहारी, तो वहाँ से लाई थी, और ये मतलब बिना सोचे समझे हो गया, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि बांके बिहारी में बालक का ही रूप है कृष्ण भगवान, तो वहाँ से ही मैं लाई बिना किसी के ऐसे बोलने से। क्योंकि अचानक से मैं मुझे लगा कि मैं जब बांके बिहारी आई हूँ तो यहाँ से लेके चलूँ, तो वहाँ से मैं लेके आई थी, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं वहाँ से लेकर आई, क्योंकि बालक का जो रूप होता है वो बांके बिहारी में ही होता है। तो आप देख सकते हैं पूजा कराने के बाद से मैं इनको कराऊँगी स्ना जल में वास, और ऐसे ढक दिया जाता है, और ऐसे 48 मिनट के बाद से हम निकालेंगे इनको, और फिर साफ़ सफाई करके पूजा करेंगे, और फिर मैं लगाऊँगी आपको
फ्रूट में, मतलब कि फल में वास कराऊंगी। तो आप लोग देखिए, और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, और 48 मिनट के बाद से मैं निकाली इनको, और फिर साफ़ सफाई करने के बाद से, पूजा करने के बाद से मैं इनको विराजमान करूंगी, वास करूंगी फलों में। क्योंकि ये होता है कि हम इनको सारे सामग्रियों में, कितने लोग हैं कि 7 से 8 सामग्री में वास करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर करूँगी 5 चीज़ों में वास। तो या ये है फलों में वास, ऐसे फलों में वास करने के बाद से फिर हम इंतज़ार करेंगे 48 मिनट का, और जब 48 मिनट पूरे हो जाएंगे तो फिर हम निकालेंगे लड्डू गोपाल को, और फिर हम कराएंगे स्नान, और उसके बाद से फिर से कराएंगे वास। तो चलिए इंतज़ार करते हैं 48 मिनट का, और साथ में जपेंगे हम लोग राधा नाम। 2 घड़ी के लंबे इंतज़ार के बाद से मैं निकाल रही हूँ अपने लड्डू गोपाल को, और उसके बाद से मैं करूँगी उनको साफ़ सफाई, और उसके बाद से मैं फिर से करूँगी चीनी में वास। और चीनी में वास इसलिए करूँगी क्योंकि आप लोग मिठाई में भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी मिठाइयाँ बनती हैं वो बनती हैं चीनी से, और इसलिए मैं सोची कि मिठाइयों में वास कराने से अच्छा है कि मैं चीनी में करा दूं, और बढ़िया भी रहेगा ये चीज़, क्योंकि चीनी के बिना कोई भी मिठाई नहीं बनता है। तो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कर रही हूँ चीनी में वास। तो सबसे पहले मैं साफ़ सफाई कर दी भगवान को, और उसके बाद से मैं फिर से ली चीनी, और उसमें डालेंगे चीनी, क्योंकि जब चीनी डालेंगे तो उस तो चीनी में वास कराने के बाद से मैं इंतज़ार कर रही हूँ 2 घड़ी का, और जब 2 घड़ी समय बीत जाएगा तब मैं उठाऊँगी लड्डू गोपाल को, और फिर से वही पूजा पाठ करना, साफ़ सुथरा करना, और फिर इसके बाद से अगले चीज़ में वास कराना। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं अभी निकाल ली हूँ, और फिर से इनको साफ़ सफाई करने के बाद से मैं डालूँगी अनाज में, यानी कि गेहूँ ली हूँ मैं, और आप लोग चावल भी ले सकते हैं, आटा भी ले सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो, जौ भी ले सकते हैं। तो मैंने गेहूँ लिया है, और इसमें कराऊँगी मैं वास 2 घड़ी के लिए, और फिर से 2 घड़ी के बाद से मैं निकालूंगी अपने लड्डू गोपाल को, और फिर साफ़ सफाई करूँगी, और फिर पूजा, और फिर अगले चीज़ के लिए वास। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है मेरा अनाज में वास, और इसके लिए मुझे लंबा इंतज़ार करने पड़ेगा, यानी कि 48 मिनट फिर से, और यहाँ पे बैठे चलिए हम लोग जपेंगे राधा नाम। और जैसा कि मेरा 48 मिनट पूरा होने के बाद से मैं निकाल ली अपने लड्डू गोपाल को, और फिर से होगा साफ़ सफाई पूजा पाठ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, और मेरे लड्डू गोपाल को अपना ढेर सारा प्यार दें। और जैसा कि मैं लंबे अरसे के बाद से, लंबे इंतज़ार के बाद से आज ये मौका मुझे मिला है, तो मैं भी सेवा में लग गई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अब ताउम्र लड्डू गोपाल की मैं सेवा करूँ, जब तक आदमी जीवित है तब तक। तो इसके बाद से साफ़ सफाई करने के बाद से, जल से स्नान कराने के बाद से, फिर मेरा आएगा लास्ट स्टेप, जो कि है सया, मतलब कि सेज लगाना, और फिर नींद में सुला के, मतलब सयावास कराएंगे। तो चलिए अभी मैं सुला रही हूँ फिर से 2 घड़ी के लिए, और यहाँ पे मैं फिर से लंबा इंतज़ार मेरा 2 घड़ी, मतलब कि 48 मिनट होता है, तो घड़ी के टाइम से सुलाने के बाद से 48 मिनट के बाद से मैं उठाऊंगी अपने लड्डू गोपाल को, जो कि आप लोग देख सकते हैं मैं उठाने जा रही हूँ, और उठाने के बाद से फिर से फाइनली ये प्रक्रिया होती है यहाँ पे समाप्त, और फिर मैं स्नान कराऊँगी, और स्नान कराने के बाद से मैं अपने लड्डू गोपाल को सजाऊँगी। तो चलिए देखिए मेरे साथ मैं कैसे स्नान करा के अपने लड्डू गोपाल को रेडी करती हूँ। सारा प्रक्रिया पूरा होने के बाद से मैंने स्नान कराया शुद्ध जल से, और स्नान कराने के बाद से मैं इनके साथ सज्जा करूँगी, जो कि अच्छे से रेडी करूँगी, और अच्छे से रेडी करके आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे ब्लॉग को लाइक करें, अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, और अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें। और आज से मेरे साथ एक नए सदस्य के जुड़ने की खुशी में मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से चाहते थे कि लड्डू गोपाल मुझसे जुड़े, और लास्ट में ये प्राण प्रतिष्ठा करते हुए आप उनके हृदय पे अंगूठे से दबा के उनके दाहिने कान में 15 बार ओम बोल के अपने साथ अब लाने के लिए बहुत ही खुशी मुझे हो रहा है। ऐसे कर लास्ट प्रक्रिया ये था जो मैं पूरे कर रही हूँ।
और फाइनली उस चीज़ को मैं फील कर पा रही हूँ कि कोई है जो मेरे साथ जुड़ गया है आज से। तो ये रहा प्राण प्रतिष्ठा मेरे लड्डू गोपाल की, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और ये है फाइनली, अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपने लड्डू गोपाल का लास्ट वाला लुक, जो कि कितना प्यारा दिख रहा है। तो आज है जन्माष्टमी और आप सभी लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। ये जन्माष्टमी आप लोग के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए।